नमस्ते, आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं हूँ आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और जैसे कि आपको पता है, 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चल रहे हैं गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ वाले गुप्त नवरात्रि। तो पहली बात तो देखिए, इन दिनों हमारे यहाँ हवन आयोजित कराए जा रहे हैं स्पेशल वाले, दुर्गा माँ और काली माँ के नाम से। तो अगर आप इन गुप्त नवरात्रि में हवन लेते हैं अपनी मनोकामना के लिए या अपने पर्सनल नाम से, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम आते हैं आज की रीडिंग में। तो आज की रीडिंग है कि जो कुंभ राशि वाले हैं, एक्वेरियस वाले, उनके लिए इन गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माँ क्या संदेश लेकर आई हैं। तो देखिए, यहाँ देखिए, दुर्गा माँ आपसे ये कहना चाहती हैं, अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं या कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे ये कोई कुछ भी हो, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, स्टडी हो, आपकी शादी है, या फिर आप कोई बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हो, नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या एक गुड हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी आपका फोकस है ना, तो दुर्गा माँ आपसे ये कह रही हैं कि देखो, जब आप कुछ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर चॉइस बनानी पड़ेगी, है ना। मतलब कि एक पूरा एक दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा, है ना, निर्णय लेना पड़ेगा। और आपको ये समझना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। और दुर्गा माँ ये कह रही है, और यहाँ पे खास कर ये दिख रहा है कि आपका ये जो देखो डिसीजन है या जो आप कर रहे हो, वहाँ पे देखो आपका जो एक फ्यूचर है ना, फ्यूचर में कुछ लोग फिट नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आपने जैसे कुछ चीज़ गोल यहाँ पे डिसाइड किया है या आप कुछ पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, लेकिन आपके और पास का जो एनर्जी होती है, जो लोग होते हैं, वो शायद आपके फ्यूचर से मैच नहीं करते, आपके फ्यूचर के लेवल के नहीं है, वो आपके सपनों की बराबरी नहीं है इन लोगों की, है ना। तो दुर्गा माँ आपसे यही समझाना चाह रही हैं कि देखो, हर चीज़ से आपको इतना अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपकी जीवन में कुछ अच्छाई तो लेकर आ नहीं रही, लेकिन अगर आपकी लाइफ में झगड़े हैं, उथल पुथल है, या अगर झगड़े नहीं तो अगर बहुत ओवर थिंकिंग है, अगर बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को संभल संभल कर चलना पड़ता है, संभल संभल कर बोलना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, अगर ऐसा कोई माहौल है, तो दुर्गा माँ कह रही हैं ये सारे माहौल को छोड़ दो, ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्तों को, या ऐसी चीज़ से आप थोड़ा सा अपने आप को अलग करने की कोशिश करिए जो शायद आपको थका रही हैं, या नेगेटिव बातें बोल रहे हैं आपसे कि आप नहीं कर पाएंगे, या आप कुछ अच्छा ही डिज़र्व नहीं करते हैं, या ऐसी कुछ बातें हैं, तो उनसे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे आपके खुद के कुछ ऐसे अटैचमेंट पैटर्न्स हैं जो आप छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जो कि चीज़ों को साथ लेकर चलते हो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करते हो, तो आप हर चीज़ में अपना 100% लगाते हैं, है ना, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे आपका काम हो, या फिर कोई भी आपका फील्ड हो। लेकिन यहाँ पे दुर्गा माँ ये कह रही हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप अपना 100% कितना भी लगा ले, पर चीज़ें नहीं बदल सकती हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, भगवान ने आपके भाग्य में जो लिखा होता है, वो शायद दूसरों के भाग्य में नहीं है। कभी कभी भाग्य अलग होते हैं, आपके अपनों से भी आपके भाग्य अलग होते हैं, है ना। तो दुर्गा माँ आपसे ये कह रही हैं कि अगर कोई भी आप ऐसे मैसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दुर्गा माँ कह रही हैं आपको ग्रो करने की ज़रूरत है। आप ग्रो कर चुके हो इन लोगों से, है ना, ये लोग आपके एनर्जेटिक मैच नहीं है, इसलिए आप इतना दबाव महसूस करते हैं, इतना कंप्रेशन महसूस करते हैं, अपने आप को इतना बंधा हुआ महसूस करते हैं इन लोगों के बीच में, है ना। तो आपको जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, पर आपने जबरन पकड़ रखी है, ऐसी चीज़ों को छोड़ दीजिए। दुर्गा माँ आपसे यही कह रही हैं, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो फिर ये होगा कि आपका जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो जल्दी और बिल्कुल आपके मुताबिक ही आपको सफल होते दिखेंगे। बाकी पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो उसके आप हवन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और सावन महीने की हवन की भी बुकिंग अभी से शुरू हो गई है,
तो आप उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सावन महीना चलेगा 22 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक। और जो फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप संपर्क करके अपने नाम की बुकिंग ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।